एवरीवन, क्लास ट्वेल्थ विषय हिंदी सीबीएसई। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में नाइन्थ चैप्टर कंप्लीट हो गया था। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, शायर राखी के, फर्स्ट क्वेश्चन, शायर राखी के लच्छों को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करता है। देखिए, शायर फिराक गोरखपुरी ने रक्षाबंधन के पावन पर्व, जो कि बहन भाई के प्रेम का पर्व है, त्यौहार है, के संबंध की मधुर कल्पना की है। बेटा, साधारण परिवार के बच्चे जो होते हैं उन्हें त्यौहारों पर ही कुछ छोटी मोटी भेंट मिलती है, गिफ्ट मिलते हैं, हर समय तो उन्हें कुछ मिलता नहीं। ऐसे में रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर बहन द्वारा अपने भाई की कलाई पर बांधी राखी ही किसी चमत्कारी उपहार से कम नहीं है। राखी के लच्छे की चमक उन्हें बिजली का आभास देती है, उनके हृदय को प्रफुल्लित करने का कारण बनती है, ठीक है। देखिए शायर क्या कह रहा है कि जो निम्न फैमिली के बच्चे होते हैं उन्हें त्योहारों पर ही कुछ मिलता है, ठीक है, और रक्षाबंधन के त्यौहार जो बहन भाई के प्रेम का प्रतीक है, इस दिन भाई बहन की आंखों में स्नेह भाव देखते बनता है। उधर आकाश में देखिए, जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार आता है वो सावन के महीने में होता है, आकाश में काली काली घटाएं छा जाती हैं, उसमें से बिजली चमकती है। कवि आकाशीय बिजली और रक्षाबंधन का मेल दिखाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार भाई के हाथ पर बंधी राखी के लच्छे चमकते हैं, भाई के कलाई पे बंधी हुई राखी के लच्छे जैसे चमकते हैं, वैसे ही आकाश में बिजली चमकती है, ठीक है बेटा। कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से होता है। सावन के महीने में घटाओं का संबंध जो बिजली से है, जो बादल बनते हैं, गरजते हैं, बिजली चमकती है, वही संबंध भाई का अपनी बहन से है। और भाई की कलाई पर, बहन के द्वारा भाई की कलाई पर बांधी गई राखी के लच्छे ऐसे चमकते हैं जैसे बिजली की तरह, ठीक है बेटा, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है। देखिए, यहाँ शायर फिराक गोरखपुरी की गज़ल में ये पंक्ति आई कि खुद का पर्दा खोले है जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। यह खुद का पर्दा खोलने का क्या आशय है, क्या तात्पर्य है। देखिए, खुद का पर्दा खोलने से शायर का आशय है हमराज के रहस्य उद्घाटन करने से। यदि शायर को बदनाम करने के उद्देश्य से उसके हमराज ने कोई उसका भेद खोला तो वह स्वयं बदनाम हो जाएगा, क्योंकि दोनों के रहस्य एक ही हैं। एक के भेद प्रकट होने पर दूसरे के भेद स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। तो खुद का पर्दा खोलने से तात्पर्य, अगर एक के भेद खोले जाते हैं तो दूसरे के भेद स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। जैसे देखिए क्या कहा शायर ने कि हमराज को सावधान करते हुए कहा कि क्या कहा कि हमें बदनाम करने की नाकाम कोशिश ना करें, हमें बदनाम करने की नाकाम कोशिश ना करें। यदि वे गुस्ताखी करते हैं तो स्वयं भी बदनामी का दंश झेलेंगे, क्योंकि हम दोनों के रहस्य एक ही हैं। एक के भेद प्रकट होने पर दूसरे के भेद स्वतः ही
खुल जाएंगे। अर्थात अगर आप किसी एक व्यक्ति को बदनाम कर रहे हो तो समझो आपकी साइड भी कुछ बातें तो उठेंगी। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस्मत हमको रोले हुए है, किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ, इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तना तनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तना तनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ। देखिए, शायर जो है, शायर कौन है बेटा? फिराक गोरखपुरी। जब तब अपनी किस्मत पर रोते हैं, वे अपनी किस्मत को जी भरकर कोसते हैं, ठीक है। पर दूसरी ओर उनकी किस्मत की स्थिति भी दयनीय बनी हुई है। वह शायर के जीवन के प्रति रुष्ट दृष्टिकोण को लेकर दुखी रहती है। वह शायर के बेपरवाह जीवन पर अपने आंसू बहा लेती है। इस प्रकार शायर और उसकी किस्मत में एक दूसरे के प्रति होड़ की भावना उत्पन्न हुई है। शायर के निरंतर काव्य सर्जन करने से उसकी किस्मत उस पर रोती रहती है। देखिए कवि क्या कह रहा है, शायर क्या कह रहे हैं फिराक गोरखपुरी, कि किस्मत हमको रोले हुए है या हम किस्मत को रोवे, ठीक है। तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी हो ले हैं। कवि क्या कह रहा है कि हम हो या हमारी किस्मत, ठीक है, मेरी किस्मत मुझे सदैव, कवि कह रहा है कि हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को ही एक काम मिला, किस्मत हमको रोले है, हम किस्मत को रोले हैं। शायर क्या कह रहे हैं कि मेरी किस्मत मुझे सदैव कवि कर्म में लीन देखकर रोती है। शायर क्या कह रहे हैं कि मेरी किस्मत हमेशा मुझे कवि कर्म में लीन होकर देखते हुए रोती है। ना मैं कभी किस्मत को कोसना छोड़ता हूँ और ना ही मेरी किस्मत मुझे काव्य सर्जन में देखना चाहती है, अतः दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। तो तभी कहा गया है कि हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को ही एक काम मिला, किस्मत हमको रोले हुए है या हम किस्मत को रोले, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, गोदी में चांद और गगन के चांद का रिश्ता टिप्पणी करें। देखिए, गोदीम के चांद और गगन के चांद का रिश्ता। गगन का चांद अपने अनुपम सौंदर्य के कारण सभी का प्रिय बना हुआ है। गगन का चांद तथा आसमान में चमकने वाला चंद्रमा, जो कि अपने अनुपम सौंदर्य के कारण, ठीक है, सबका प्रिय बना हुआ है। गोदी के चांद का यहाँ लाक्षणिक अर्थ अत्यंत सुंदर बालक से है, ठीक है। हर माँ के लिए उसका बच्चा लाडला चांद से कम नहीं होता, इसलिए हर माँ अपने नन्हे बालक को चांद कहकर संबोधित करती है। यह उपमा एक माँ के हृदय की मधुर कल्पना व्यक्त करती है, ठीक है। गगन का चांद जो है बेटा, वो अपने सौंदर्य के कारण सभी का प्रिय बना होता है, और गोदी का चांद यहाँ लाक्षणिक अर्थ अत्यंत सुंदर बालक से है। हर माँ के लिए बेटा उसका जो लाडला है, ठीक है, वो चांद से कम नहीं होता, इसलिए हर माँ अपने नन्हे बालक को चांद कहकर संबोधित करती है। यह उपमा एक माँ के हृदय की मधुर कल्पना व्यक्त करती है। नेक्स्ट, सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व, क्या कहना चाह रहा है इसमें शायर? देखिए, रक्षाबंधन का पर्व कब आता है बेटा? सावन के महीने में, ठीक है। सावन के महीने में आकाश में झीनी झीनी घटाएं छाई रहती हैं,
ठीक है, सावन के महीने में बारिश शुरू हो जाती है और इन घटाओं में अक्सर बादलों में बिजली चमकती रहती है। यही बिजली, शायर कह रहे हैं कि बादलों में चमकने वाली यही बिजली भाई के बहन के द्वारा भाई के हाथ पे बंधी राखी के लच्छे में चमकती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सावन की घटाओं का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है, अर्थात रक्षाबंधन से है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो संबंध सावन की घटाओं का बिजली से है, ठीक है, घटाओं का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध बहन का अपने भाई से होता है। जैसे बादलों के बीच बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, वैसे ही रक्षाबंधन के पर्व पर हाथ भाई के हाथ में बहन के द्वारा बांधी गई राखी के लच्छे उस चमकती हुई बिजली के समान सुशोभित होते हैं। क्या दोबारा देखिए बेटा, देखिए रक्षाबंधन का जो पर्व है वो बेटा कब आता है, सावन के महीने में, ठीक है, और सावन के महीने में आकाश में घटाएं छाई रहती हैं, ठीक है, बिजली चमकती रहती है। यही बिजली बहन द्वारा भाई के हाथों में बांधी गई राखी के लच्छों से चमकती हुई दिखाई देती है। जो संबंध घटाओं का जो संबंध बिजली से है, ठीक है बेटा, घटाओं का जो संबंध बिजली से होता है, वही संबंध बहन का अपने भाई से होता है। ठीक है, हो गया क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट देखिए, इन रुबाइयों में हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के मिले जुले प्रयोगों को छांटिए। जैसा कि मैंने आपको शुरू से ही बताया था कि इस पाठ में हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के मिले जुले शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे अब हिंदी के शब्द रूपवती, आंगन इसी कविता में है, गज़ल में है, गूंज उठती, खिलखिलाते बच्चों की हंसी, किस प्यार से देखता है बच्चा, उर्दू गेसुएं, घरौंदे। देखिए अब उर्दू के शब्द गेसुओं, घरौंदे, ठीक है, जिदियाना, नर्म दमक, और लोक भाषा के शब्द पिराती, ठीक है, घुटनियों, पुते, लच्छे, लोका देती, कंघी करके, जगमगाते लावे भाई के हैं, बांधती, नहलाके, छलके, छलके। देखिए हिंदी भाषा के जो शब्दों का प्रयोग हुआ वो मैंने आपको बता दिया, उर्दू के जिन जिन शब्दों का हुआ, गेसुएं, घरौंदे, जिदियाना, नर्म दमक, ये उर्दू भाषा के शब्द, और लोक भाषा के पिनाती, घुटनियों, पुते, पे घटा, लच्छे, लोका देती है, कंघी करके, जगमगाते लावे भाई के है, बांध दी, नहलाके, छलके, छलके। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको ये सारे बता दिए कि हिंदी के शब्द, उर्दू के शब्द और साधारण लोक भाषा के शब्द। ठीक है बेटा, ये चैप्टर क्लियर हो गया। CBSE स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आपकी ये बुक कंप्लीट हो गई है। इसमें सॉरी एक चैप्टर रह रहा है, सहर्ष स्वीकारा है, वो मैं आपको कल पढ़ा दूँगी। ओके, फिर आपकी ये बुक कंप्लीट। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वितान। ठीक है बेटा, जो भी वीडियो आप ग्रुप में आती है उसे ध्यान से सुनो, समझो, कोई भी डाउट हो बेटा आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर करो। ठीक है, ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। ओके, थैंक यू।